हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, जब तक हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था वो था कार्नेटिक की फर्स्ट वॉर, कार्नेटिक सेकंड वॉर और कार्नेटिक थर्ड वॉर। जो हमने इन वॉर्स के अंदर डिस्कशन किया था वो था फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश। तो फ्रेंच जो थी, फ्रेंच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या कर जाती है, डिफ़ीट कर जाती है। और डिफ़ीट होने की वजह से उन्हें एक ट्रीटी को साइन करना पड़ता है। और ट्रीटी को जब वो साइन करते हैं तो साइन करने के बाद क्या होगा, उन्हें जो साइन करते हैं उन चीज़ों को मानना भी होता है। ठीक है, जब वो उन चीज़ों को मानते हैं तो उनमें क्या थी, एक फर्ज था कि भाई आप अपनी जो आर्मी है उसे खुद से प्रिपेयर नहीं करोगे। ठीक है, अगर आर्मी को प्रिपेयर नहीं करोगे, और सेकंड चीज़ क्या बोली कि आप एम्परर बनाने का जो ड्रीम है वो अब नहीं देखोगे। तो नॉर्मली जो ट्रीटी थी उसका क्या नाम था, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ पेरिस होने के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनको मोनोपोली मिल जाते हैं कि अब वो अकेले हैं इंडिया के अंदर जो अपना एम्परर को बना सकते हैं, अपने आप को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन करने की तरफ ध्यान देंगे ना, वो तो एक्सपेंशन करने की तरफ ध्यान देते हैं। तो उसके बाद जब ये इतना कर जाते हैं तो अब क्या होता है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये क्या करते हैं कि हम क्यों ना जो अपना एम्परर सेट करें, और वो सेट करना कहाँ से स्टार्ट होता है, बंगाल से राइज कर जाते हैं ब्रिटिशेस का एम्पायर। कहाँ से, बंगाल से। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था, ये हुआ था 1757 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 23 जून 1757 के अंदर आपका बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। सेकंड हुआ था बैटल ऑफ बक्सर 1764 के अंदर। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करेंगे बैटल ऑफ प्लासी क्या हुआ, क्या रीजंस थे, और वहाँ का जो नवाब था वो कौन था। जब तक हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अब तक अपनी जो फैक्ट्रीज थी वो लगा चुकी थी कहाँ पे, बॉम्बे, कलकत्ता, सूरत एंड मद्रास। ठीक है, जिनकी फर्स्ट फैक्ट्री थी वो थी सूरत के अंदर। अगर इन जनरल आपसे पूछा जाए तो वो थी मसूलीपट्टनम के अंदर। कब लगाई थी मसूलीपट्टनम में, 1611 के अंदर। ठीक है, बट सूरत के अंदर जो इनका था स्ट्रॉन्ग बेस था। उसके बाद आती है इनका कंट्रोल सेंटर बोल सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1717 के अंदर। फारुख शाह नाम का एक मुगल एम्परर था जो कि एक टाइम पे बहुत बीमार हो जाता है, कोई भी उसकी दवाई नहीं मिलती उसे ठीक होने के लिए। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अपने डॉक्टर को भेजते हैं, और उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। हैमिल्टन नाम का कोई भी एक डॉक्टर था जिसने क्या किया, फारुख शेर को ठीक कर दिया। तो फारुख शेर खुश हो जाता है, बहुत ही खुश होता है कि हाँ मैं ठीक हो गया। तो क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए। ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हमें आपके कंप्लीट एम्परर के अंदर हमें फ्रीली ट्रेड करना है, हमें फरमान चाहिए। तो फारुख शेर जो था वो उन्हें फरमान जारी कर देता है, साथ के साथ दस्तक देता है कि आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो मेरे पूरे मुगल एम्परर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से उसको पता चल जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जितने भी मुगल के टेरिटरीज थी उनके अंदर फ्रीली ट्रेड कर सकते थे, कोई भी उन्हें टैक्स नहीं देना था। तो उसके बाद जब यहाँ पे बंगाल के अंदर 1740 से 1756 के अंदर एक अलीवर्दी खान नाम का एक बंदा था जो कि वहाँ का नवाब था। अलीवर्दी खान वहाँ का नवाब बनता है, और उसके बाद 1756 के एट लास्ट में अलीवर्दी खान चल बसे। तो उनका पोता था कौन, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला उस टाइम पे 23 ईयर्स का था जो कि बंगाल का नवाब बन जाता है। 23 साल की उम्र में सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब बन जाता है। जब वो बंगाल का नवाब बनता है तो वहाँ से देखता है कि बंगाल में हो क्या रहा है। उसने देखा कि जो ब्रिटिशर्स की कंपनीज थी वो वहाँ पे ट्रेड कर रही थी, ना कोई टैक्स देना, और सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, ऊपर से किले बना रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो उसे गुस्सा आता है, वो कंपनी को बोलता है कि भाई आप यहाँ पे क्या करो, फोर्टिफिकेशन मत करो, और आप हमें दस्तक दो, आप हमें टैक्स दो। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसको सिराजुद्दौला को इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं कि भाई आप अभी क्या हो, बहुत छोटे हो, आप अभी हमें नहीं जानते। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्यों ये था कि वो फरमान लेके आए हुए हैं किससे, फारुख शेर से।
बट जो सिराजुद्दौला था उसने कहा कि हमारे यहाँ पे जो मुग़ल के जो फरमान से जो दस्तक आपको ले गया हो मैं उसे अलाउ नहीं करता हूँ, मैं उसे कैंसिल करता हूँ, तो आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फिर से इग्नोर किया, इग्नोर करने के बाद जो सिराज था उसे गुस्सा आ जाता है और वो क्या कर देता है, अटैक कर देता है। अटैक कहाँ करेगा, जो इनका कलकत्ता वाला स्टेशन था, ब्रिटिशर्स का एक कलकत्ता वाला स्टेशन था, वहाँ पे जो सिराज है वो अटैक कर देता है। अटैक करते हैं 3000 की आर्मी को लेके जाता है और कलकत्ता को क्या कर देता है, डिफीट कर लेता है, उसे कैप्चर कर लेता है। ठीक है, अगर वहाँ पे उनके स्टेशन को उन्होंने कैप्चर कर लिया, कैप्चर करने के बाद क्या था, वहाँ पे एक फोर्ट विलियम का एक किला था। क्या था, फोर्ट विलियम एक किला था जिसके अंदर वो उन्हें एक ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के एक नाम से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। क्यों, क्योंकि ये 5x3 का कमरा लगा लो या फिर कुछ ऐसे, ये एक रूम था जिसके अंदर बंदे तो आ सकते थे 5, बट इसने ठूस ठूस के भर दिए थे 100s number of Britishes। तो इसकी वजह से, जो उनका दम घुटने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है और कुछ बंदे बच भी जाते हैं। ठीक है, ये सब देख रहे थे कौन, ब्रिटिशेस। ब्रिटिशेस को क्या हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है कि भाई ये क्या बात हुई। तो जब भी ब्रिटिशेस टेंशन में आते हैं, जब भी वो परेशान होते हैं, फिर कोई भी उन्हें परेशान करता है, तो वो एक बंदे को बुलाते हैं जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट क्लाइव। उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव को बुलाते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव आता है और उसने बोलता है कि भाई ये देखो, ये बंगाल का जो नवाब है वो ज़्यादा ही कुछ अपनी जो ताकत है वो दिखा रहा है हमारे ऊपर। जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स का जो एक आर्मी को प्रिपेयर किया, कितनी, 3000 आर्मी को, और लड़ाई कर दी किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स आर्मी और सिराजुद्दौला की आर्मी दोनों आपस में भिड़ जाती हैं, लेकिन सिराजुद्दौला के पास 50,000 नंबर ऑफ पीपल्स थे, जो कि ऐसी आर्मी थी जो खुद बाय फुट चल रही थी, और दूसरी थी 28,000 ऐसी आर्मी जो कि हाथी घोड़ों के साथ थी। टोटल आप देखो तो सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी वो ज़्यादा थी किससे, ब्रिटिश से। बट होता क्या है, जब ये युद्ध होता है तो इस युद्ध का नाम या फिर इस बैटल का नाम लिखा जाता है बैटल ऑफ प्लासी। और कब लड़ी जाती है, 23 जून 1756 के अंदर, और कहाँ, प्लासी में, प्लासी के अंदर लड़ी जाती है। और ये कहाँ था, बैंक ऑफ भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर के पास ये जो प्लासी की लड़ाई है वो लड़ी जाती है, किसके साथ में, ब्रिटिशेस की आर्मी और सिराजुद्दौला के साथ। ठीक है, अब जो सिराज था, जो सिराजुद्दौला था, उसके पास दो ऐसे बंदे थे पेयर के अंदर, एक था मीर जाफर और दूसरा था राय दुलब। मीर जाफर और जो राय दुलब दो बंदे थे, ये क्या थे, ये इस जो बैटल थी उसके लिए रेडी नहीं थे, इंटरेस्टेड नहीं थे। दूसरी तरफ था मोहनलाल और क्या था, मीर मदन। ये दोनों बहुत ही एक्टिवली थे और रेडी थे इस बैटल के लिए। तो क्या होता है, सिराज इन्हें भेजता है बैटल को लड़ने के लिए। तो क्या होता है, मदन लाल जो था वो बहुत अच्छे से बैटल लड़ रहा था, जो कंटिन्यूसली वो लड़ाइयाँ करता जा रहा था और आगे बढ़ रहा था। लेकिन जो मीर मदन था वो क्या था, उसकी डेथ हो जाती है, और ये देख के जो मीर जाफर था वो उसे क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, किसे, सिराज को। वो सिराज को मैनिपुलेट करता है और कहता है कि आप मदन मोहन को वापस बुलाओ। अब सिराज जो था उसमें ज़्यादा इतना दिमाग नहीं लगाया कि अपनी जो इतनी आर्मी है जो इतनी एक्टिवली वहाँ पे बैटल कर रही है तो उसे क्यों मैं रोकूं। ठीक है, दूसरी तरफ जो मीर जाफर था वो ब्रिटिशेस के साथ मिला हुआ था और वो ब्रिटिशेस का साथ दे रहा था, तो वो क्या कर रहा था, बार बार मैनिपुलेट कर रहा था सिराज को कि आप मदन लाल को ऑर्डर दो कि आप वापस आओ। तो सिराज जो था इससे मैनिपुलेट हो जाता है और मदन लाल को ऑर्डर देता है कि आप रिटर्न आओ। तो मदन लाल एक बार सोचा कि नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, वो कंटिन्यू लड़ता रहता है बैटल को। लेकिन जब सिराज बार बार उसे बोलता है कि वापस आओ बैटल को छोड़ के, तो वो उसे मान लेता है और जो मदन लाल था वो बैटल से वापस मुड़ जाता है। और जब आर्मी ये सारी चीज़ें देखती है कि उनका जो लीडर था, जो उनका मेन हेड था, वो लड़ाई को छोड़ के वापस जा रहा है, तो आर्मी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो सेम यही हुआ, आर्मी वीक पड़ जाती है और इसी एक पॉइंट पे जो ब्रिटिशर्स थे वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं।
जब आर्मी पीछे मुड़, जब आर्मी वाले का जो मेन लीडर था जो वो पीछे मुड़ के चला जाता है वापस और आर्मी वीक हो जाती है, तो ब्रिटिश इसी पॉइंट पे बहुत ही स्ट्रोंग हो जाते हैं और जो सिराज की आर्मी थी वो वीक बन जाती है। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि जो ब्रिटिश थे वो क्या कर जाते हैं, वो अपना एम्परर बंगाल के अंदर बनाने में सक्सेस हो जाते हैं और जो सिराज था उसे भागना पड़ता है, सिराज को भागना पड़ जाता है, लेकिन एट लास्ट उसे मार दिया जाता है ढूंढ ढांड के कैसे भी करके। लेकिन जो ब्रिटिशेस अपना एम्पायर बना लिए थे, उन्होंने जीत लिया था बंगाल को, तो वो सोचते हैं हम डायरेक्ट तो वो करेंगे नहीं यहाँ पे राज, डायरेक्ट तो अपना एम्पायर नहीं बना सकते ना, तो क्या करेंगे किसी पपेट को बिठाएंगे और पपेट ऐसा ढूंढ के लाएंगे जो कि उसी की एम्पायर का होगा। तो उन्होंने किसे बिठाया, मीर जाफर को। मीर जाफर कौन था, सिराज की आर्मी का बंदा था भाई, कौन, मीर जाफर, जो कि सिराज को बार बार क्या कर रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था मोहनलाल को बैटल से वापस बुलाने में। तो मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है कहाँ का, बंगाल का। यहाँ पे क्या होती है, अपनी बैटल ऑफ जो हम प्लासी की जो लड़ रहे थे वो कंप्लीट हो जाती है। एट लास्ट आपको यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट आपको ये मिलता है कि जो भी आपका मीर जाफर था वो क्या बना दिया जाता है, बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। मीर जाफर को क्या बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया जाता है और सिराज उदौला को कैप्चर करके मार दिया जाता है, उसे ढूंढ ढांड के क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और ब्रिटिश जो क्रिएट कर लेते हैं क्या, मोनोपोली, इस बक्सर सॉरी इस बैटल के बाद वो क्या कर लेते हैं, मोनोपोली को हासिल कर लेते हैं और क्या हो जाता है, यहाँ से उनका एम्परर भी बन जाता है। दैट मीन्स जो मीर जाफर था वो क्या करेगा, एज ए पपेट काम करेगा, जितने भी ऑर्डर होंगे जितने भी रूल्स होंगे वो कौन लाएंगे, ब्रिटिशर्स लाएंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया है यहाँ पे, उसे नवाब बनाया कहाँ का, बंगाल का। याद रखना ये थी अपनी बैटल कहाँ की, प्लासी के अंदर, जब कब लड़ी गई थी, 23 जून 1757 के अंदर भागीरथी नदी पे लड़ाई लड़ी गई थी। और जो ब्रिटिशर्स की तरफ से इस कम्प्लीटली आर्मी को, इस कम्प्लीटली बैटल को हैंडल कर रहा था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उदौला की आर्मी के बीच में अटैक हुआ और जो सिराज उदौला था का एक मेन लीडर था मोहनलाल, वो काफ़ी अच्छे से बैटल को कर रहा था, लेकिन मीर जाफर मैनिपुलेट कर देता है किसे, सिराज को, और सिराज मोहनलाल को वापस बुला लेता है, जिसकी वजह से सिर्फ यही एक पॉइंट आया जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कम्प्लीटली बैटल्स जीतता जीतता बंदा हार जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है, पूरा तख्ता पलट हो जाता है जब मोहनलाल को वापस बुला लिया जाता है। किसकी वजह से ये सब, मीर जाफर के धोखे की वजह से, क्योंकि मीर जाफर क्या था, ब्रिटिशर्स का साथ दे रहा था, इसकी वजह से उसने मैनिपुलेट किया और जो सिराज था वो मैनिपुलेट हो जाता है और सिराज को मार दिया जाता है और मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर इतनी सी वीडियो के अंदर कहीं भी डाउट है, अपने जो भी प्रीवियस हो चुकी सेम उनमें भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने डाउट्स को बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड थैंक यू एवरीवन।